मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ बजिता यादव, योर एसएसटी टीचर. डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास थर्ड टुडे आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 7. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है उसको रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत. आशी एंड आर्यन वेंट टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर वैकेशन. आशी और आर्यन हैं जो समर वैकेशन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं. देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन गुजरात. उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मीन्स दादा दादी या नाना नानी, वो कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं. दे आस्क देम मैनी क्वेश्चंस टू नो द पास्ट ऑफ द फैमिली. उन्होंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपनी फैमिली के बारे में जानने के लिए, पास्ट के बारे में जानने के लिए. पास्ट का मीनिंग होता है बीता हुआ कल. द फैक्ट अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री. जो फैक्ट इतिहास के बारे में बताते हैं, पास्ट के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं, हिस्ट्री कहलाते हैं. हिस्ट्री कैन बी अबाउट पीपल, प्लेस एंड थिंग्स. हिस्ट्री जो है वो लोगों के बारे में, किसी स्थान के बारे में या वस्तुओं के बारे में हो सकती है. नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा. व्हाट इज योर ग्रैंड मदर नेम. आपकी दादी जी का नाम क्या है? तो मान लो मेरी दादी जी का नाम है श्रीमती संतोष देवी. आपकी दादी जी का नाम जो भी हो वो यहाँ पे फिल करना है. व्हाट इज योर ग्रैंड फादर नेम. आपके दादाजी का नाम क्या है? मिस्टर रोहतास यादव. ये मैंने अपने दादाजी का नाम लिखा है, आप यहाँ पे अपने दादाजी का नाम फिल करोगे. वेयर डू दे लिव. अब वो कहाँ पर रहते हैं, अभी वो कहाँ पर रह रहे हैं? तो मान लो रेवाड़ी में रह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे रेवाड़ी लिखा है. वेयर डिड दे अर्लियर लिव. पहले वो कहाँ पर रहते थे, तो मान लो पहले वो राजपुरा में रहते थे. आपके दादा दादी कहाँ पर रहते थे, वो आपको यहाँ पे फिल करना है. इज देयर एनी डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल दे हैड एंड योर लाइफ स्टाइल. यानी कि आपके जीवन शैली में और आपके दादा दादी की जीवन शैली में कोई डिफरेंस है, तो उसमें आपको यस और नो में आंसर देना है. तो मान लो हमारे दादा दादी दादी के डिफरेंस जीवन में और हमारे जो जीवन शैली है उसके अंदर डिफरेंस, तो हमने यहाँ पे यस लिखा हुआ है. नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत साधन. द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली पीपल गिव्स अस वैल्युएबल इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट. जो इतिहास है वो पहले के लोगों के बारे में हमें वैल्युएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, पास्ट के बारे में, बीते हुए कल के बारे में. द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. इतिहास के बारे में, बीते हुए कल के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है. पीपल हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. जो लोग बीते हुए कल के बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इतिहासकार कहलाते हैं. दे स्टडी वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट टू नो अबाउट द पास्ट. वो पास्ट के, बीते हुए कल के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं. किस बारे में जानने के लिए? बीते हुए कल के बारे में जानने के लिए. दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बीते हुए कल के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं, इतिहास के स्रोत कहलाते हैं. टू फाइंड दीज रिसोर्सेज हिस्टोरियंस ऑल्सो डिग डीप इन साइड द अर्थ. इन रिसोर्सेज के बारे में जानने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं वो जमीन के नीचे गहरी खुदाई भी करते हैं हमारी अर्थ पर. सम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर गिवन बिलो. कुछ हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो नीचे दिए गए हुए हैं. जैसे ओल्ड स्टोन टूल्स है, यानी कि जो पत्थरों के पुराने जो हथियार थे, टूल्स थे वो. ओल्ड पोर्ट्स हैं, पुराने जो मटके हैं या पोर्ट्स हैं वो. एंड ओल्ड सेल्स, यानी कि जो पुरानी मोहरे हैं वो. ए केव पेंटिंग, ये केव, एक गुफा के अंदर ये पेंटिंग है, ये इतिहास के बारे में जानने में हेल्प करते हैं. ओल्ड कॉइन्स हैं, पुराने जो सिक्के हैं वो भी हमें बताते हैं कि पहले समय में किस प्रकार के सिक्के चलते थे, किस धातु के सिक्के चलते थे. ए मनुस्क्रिप्ट हैं, जो ये अभिलेख लिखे हुए हैं, मनुस्क्रिप्ट लिखी हुई हैं अपने जीवन के बारे में पहले के लोगों के द्वारा, वो उनके जीवन शैली के बारे में बताते हैं. वेपन्स ऑफ अर्ली मैन, जो पुराने लोगों के जो हथियार थे उनके बारे में पता चलता है. रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो भी इतिहास के बारे में बताती हैं. With the help of these sources, we come to know about the lives of people who lived thousands of years ago. यानी कि ये जो sources हैं इनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हजारों साल पहले जो लोग हैं वो किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार का उनकी जीवन शैली.
टाइमलाइन, टाइमलाइन मींस होता है समय रेखा। व्हाट हैपन इन द पास्ट, पास्ट में क्या हुआ, बीते हुए कल में क्या हुआ, व्हेन डिड इट हैपन और वो कब हुआ। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डेट्स एंड इवेंट्स इन हिस्ट्री ए हिस्टोरियन यूज ए स्केल कॉल्ड ए टाइमलाइन। यानी कि जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं और समय हैं, उनके रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो एक स्केल का यूज करते हैं। उस स्केल को हम क्या कहते हैं, टाइमलाइन कहते हैं। ए टाइमलाइन पुट द डेट्स इन डिफरेंट इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। जो एक टाइमलाइन होती है वो अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उनकी डेट्स को करेक्ट ऑर्डर में वो रखती है और सिक्वेंस इन विच दे हैपेंड और उनको सीक्वेंस में रखती है कि वो कब और कब कब कर घटित हुए हैं, किस डेट में घटित हुए हैं। फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, यानी कि पहले समय से लेकर और आज तक जो इवेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस में घटित हुए हैं उनको रखती है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग, उसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं, सीक्वेंसिंग कहते हैं। ए टाइम लाइन आंसर थ्री क्वेश्चंस, जो समय रेखा है वो तीन क्वेश्चंस का आंसर देती है। व्हाट, वेयर एंड व्हेन, क्या कब और कहाँ घटित हुआ। हिस्टोरियंस फॉलो ए स्पेशल सिस्टम ऑफ काउंटिंग द ईयर्स, जो इतिहासकार हैं वो ईयर्स को काउंट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम को फॉलो करते हैं। दे टेक ईयर वन एज द ईयर ऑफ विच इन विच जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न, वो एक साल को उस समय को मानते हैं जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। दिस टाइम इज कॉल्ड कॉमन ईरा और सीई, उस समय को हम कॉमन ईरा और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीई कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या होगा, एक सीई और फर्स्ट जो कॉमन ईरा इज द ईयर ऑफ विच जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न, यानी कि एक सी का मतलब होता है एक कॉमन ईरा जिसके अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वी काउंट फॉरवर्ड फॉर द ईयर टू कम, उसके बाद के जो साल आते हैं उनको हम फॉरवर्ड में काउंट करते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के एक दो तीन चार ऐसे जो ईयर्स हैं उनको काउंट करते हैं। बट हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड, लेकिन इतिहास जो है वो बहुत पुराने हैं। हाउ डू वी काउंट द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि हम उन सालों को कैसे काउंट करेंगे जो साल ईसा मसीह के जन्म से पहले के हैं। दीज ईयर आर काउंटेड बैकवर्ड फॉर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उन सालों को हम कैसे काउंट करते हैं ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के साल, बैकवर्ड मीन्स पूर्व के साल। दिस टाइम इज कॉल्ड बिफोर कॉमन ईरा और बीसीई, उस समय को हम क्या कहेंगे, बिफोर कॉमन ईरा या शॉर्ट फॉर्म में बीसीई कहेंगे। दस 400 BCE means 400 year before the birth of Jesus Christ, यानी कि 400 BCE का मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले का समय। If something happened in 1300 BCE and if present time is 2016, यानी कि कोई चीज़ घटित हुई है, कोई घटना घटित हुई है 1300 साल पहले और आज का समय क्या है 2016, इट मीन्स इट हैपन्ड रियली 3316 ईयर अगो, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ कब घटित हुई, 3316 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे दिखाया हुआ है 2016 प्लस 1300, ये इसका प्लस क्या होगा 3316, यहाँ पे मिस प्रिंट था या 3315 लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको 6 करना है, इसको 16 आएगा, तो 3316 ईयर होंगे। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, सीई एंड बीसीई आर नाउ यूज टू गिवन डेट्स, सीई जो है और बीसीई है वो डेट डालते हैं तो उनमें यूज किया जाता है। एडी एंड बीसीई वर यूज्ड अर्लियर, एडी और जो बीसीई है वो उससे पहले के यूज किए जाते हैं। एडी मीन्स एनो डोमिनी और बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। ओवरव्यू जो है बेटा, इस चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा वो कुछ बातें हैं जो पूरे इस चैप्टर को कवर करती हैं। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, बीते हुए कल के बारे में जानना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। हिस्टोरियन स्टडी द पास्ट, जो इतिहासकार हैं वो पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टोन टूल्स पोर्ट्स सेल्स केव्स पेंटिंग्स
रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एटसेट्रा आर सम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो स्टोन्स हैं, पोर्ट्स हैं, सेल्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, या फिर जो अवशेष हैं बिल्डिंग्स के, वो क्या बताते हैं? इतिहास के स्रोत बताते हैं, साधन बताते हैं जिनसे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ए टाइमलाइन पुट्स डेट्स एंड इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, जो टाइमलाइन जो होती है वो डेट्स को और इवेंट्स को एक करेक्ट ऑर्डर में डालती है, पुट्स डालती है। वन सीई और वन कॉमन ईरा इज द ईयर इन विच जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, एक सीई और एक कॉमन ईरा का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म का साल। वी काउंट फॉरवर्ड फॉर ईयर्स आफ्टर वन सीई, जो पहले जो इसके बाद के जो ईयर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, आफ्टर वन सीई, एंड बैकवर्ड फॉर ईयर आफ्टर वन सीई, मतलब कि हम ईसा मसीह के जो जन्म से पूर्व के साल हैं उनको तो हम ऐसे काउंट करते हैं 10, 9, 8, 7, और उसके जन्म के बाद के हैं उनको हम जो काउंटिंग हमारी करेक्ट ऑर्डर में होती है उसमें काउंट करते हैं। ये इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स आए थे, जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? स्टडी अबाउट द पास्ट, बीते हुए कल के बारे में अध्ययन करना। सोर्सेज, सोर्स क्या होते हैं? ए थिंग विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, एक चीज, कोई भी वस्तु जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, सूचना प्रदान करती है। मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट क्या होती है? ए हैंड रिटन बुक और टेक्स्ट, यानी कि एक हाथ से लिखी हुई बुक। टाइमलाइन, ए वे ऑफ पुटिंग डेट्स एंड इवेंट्स इन ऑर्डर, एक तरीका जिससे में डेट और इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में डाला जाता है वो क्या कहलाता है? टाइमलाइन कहलाती है। सी, सी मीन्स होता है कॉमन ईरा, बी सी मीन्स होता है बिफोर कॉमन ईरा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। बेटा ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन चारों में से कौन सा हिस्ट्री का सोर्स है, हिस्ट्री का साधन है? ए ऑप्शन है मनुस्क्रिप्ट्स, बी ओल्ड कॉइन्स, सी है ओल्ड पोर्ट्स, और डी है ए ऑल ऑफ दीज। तो हमारे ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्रदान करने में हेल्प करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द काउंटिंग ऑफ द ईयर बिगिन, हम ईयर की जो शुरुआत है वो कब से कहाँ कैसे काउंट करते हैं? तो ऑप्शन ए है 2000 CE, बी है 1 CE, सी हमारा ऑप्शन है 100 CE, और डी है 0 CE। तो हमारा बी जो ऑप्शन है 1 CE वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ईयर्स की जो काउंटिंग की शुरुआत है वो 1 CE से करते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, CE स्टैंड फ्रॉम डैश, सी जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए है कॉमन इवेंट, बी है कॉमन ईरा, सी है कैलेंडर ईरा, और डी है कैलेंडर इवेंट। तो जो कॉमन ईरा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारी बी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अंदर ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको फिल करना है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश कैन बी मेड फॉर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या हमारी जो इतिहास है उसको बनाता है, वर्ल्ड के इतिहास को बनाता है? तो क्या बनाता है? पास्ट, यानी कि बीता हुआ कल जो है वो वर्ल्ड के इतिहास को बनाता है, पास्ट, PAST। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए डैश यूज ए स्केल कॉल टाइमलाइन, कौन है जो एक स्केल का यूज करते हैं और उस स्केल को हम क्या कहते हैं? टाइमलाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है उसके अंदर क्या आएगा? हिस्टोरियन, जो एक टाइमलाइन है, ए डैश यूज ए स्केल कॉल्ड टाइमलाइन, कौन जो है एक स्केल का यूज करते हैं जिसे हम टाइमलाइन कहते हैं, वो क्या आएगा? हिस्टोरियन, इतिहासकार। थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट आर कॉल्ड द डैश ऑफ हिस्ट्री, जो ऑब्जेक्ट्स पास्ट के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, SOURCES, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारी सी एक्सरसाइज है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू के लिए टी लिखना है और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फैक्ट्स अबाउट पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री, जो फैक्ट पास्ट के बारे में बताते हैं, जो फैक्ट पास्ट के बारे में बताते हैं उनको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा?
ट्रू आएगा, टी आएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, पर्सन हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। जो लोग पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। तो इसके अंदर भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वी यूज सी वी मूव बैकवर्ड्स। हम जब पीछे की तरफ मूव करते हैं, मतलब कॉमन ईरा जो हमारे ईसा मसीह का जन्म है उससे पहले के जो ईयर्स काउंट करते हैं उसमें हम सीई का यूज करते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्योंकि कॉमन ईरा से पहले के जो साल हैं उनके लिए हम बिफोर कॉमन ईरा का यूज करते हैं, बीसीई का यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, गलत है बेटा। इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड जो वर्ड है वो क्या है, फर्स्ट है हिस्ट्री एच आई एस टी ओ आर वाई, सेकंड है सोर्स एस ओ यू आर सी ई, थर्ड है वैकेशन वी ए सी ए टी आई ओ एन एस वैकेशंस, फोर्थ है इन्फॉर्मेशन आई एन एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन इन्फॉर्मेशन, फिफ्थ है अंडरस्टैंड यू एन डी ई आर एस टी ए एन डी अंडरस्टैंड, सिक्स्थ है रिलेशन आर ई एल ए टी आई ओ एन रिलेशन, सेवन्थ है सिक्वेंस एस ई क्यू ई एन सी ई सिक्वेंस, एट्थ है बैकवर्ड बी ए सी के डब्ल्यू ए आर डी एस बैकवर्ड्स, नाइन्थ हमारा है कैलेंडर सी ए एल ई एन डी ए आर कैलेंडर, टेंथ है टाइमलाइन टी आई एम ई एल आई एन ई। फर्स्ट जो हमारी ये वर्ड मीनिंग्स है इसमें फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हिस्ट्री एच आई एस टी ओ आर वाई, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। सेकंड रिसोर्सेज आर ई एस ओ यू आर सी ई एस रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। थर्ड है कैलेंडर सी ए एल ई एन डी ए आर कैलेंडर मीन्स दिन दर्शिका, यानी कि जिसके अंदर हम दिन देखते हैं कौन सा वार है कौन सा डे है कौन सा महीना है, तो दिन दर्शिका। फोर्थ है अंडरस्टैंड यू एन डी ई आर एस टी ए एन डी ई अंडरस्टैंड मीन्स समझना। फिफ्थ है वैकेशन वी ए सी ए टी आई ओ एन वैकेशन मीन्स अवकाश। सिक्स्थ है रिलेशन आर ई एल ए टी आई ओ एन रिलेशन मीन्स संबंध। सेवन्थ है सिक्वेंस एस ई क्यू यू ई एन सी ई सिक्वेंस मीन्स क्रम। एट्थ हमारा है बैकवर्ड बी ए सी के डब्ल्यू ए आर डी एस बैकवर्ड्स मीन्स पीछे की ओर। नाइन्थ है टाइम लाइन्स टी आई एम ई एल आई एन ई एस टाइम लाइन्स मीन्स घटनाक्रम या समय रेखा। टेंथ हमारा है अर्लियर ई ए आर एल आई ई आर अर्लियर मीन्स पूर्व या पहले। क्लास थर्ड का जो हमारा चैप्टर नंबर सेवन है उसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाई इज हिस्ट्री इम्पोर्टेंट, इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर है हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पास्ट, हिस्ट्री जो है वो महत्वपूर्ण है किसके लिए, पास्ट को मतलब बीते हुए कल को समझने के लिए अंडरस्टैंड द पास्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट इज टाइम लाइन, टाइम लाइन क्या है समय दर्शिका क्या है। आंसर है ए टाइम लाइन पुट डेट्स एंड इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, जो टाइम लाइन है वो डेट्स को और इवेंट्स को जो भी घटनाक्रम है उसको एक करेक्ट ऑर्डर में रखती है, तो वो क्या कहलाती है, टाइम लाइन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम सम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज बताने हैं, तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, ओल्ड कॉइन्स है हमारे, ओल्ड स्टोन टूल्स हैं और केव पेंटिंग्स हैं और सील है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग क्या होती है। आंसर है सीक्वेंसिंग हेडिंग डालेंगे उसके बाद ए टाइम लाइन पुट्स द डेट्स ऑफ डिफरेंट इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच दे हैपन्ड, यानी कि जो समय रेखा होती है वो क्या करती है, अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में या सीक्वेंस में रखती है जैसे जैसे वो घटित हुए। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंसिंग कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है हाउ डू वी काउंट द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, हम ईयर्स को ईसा मसीह के जन्म से पहले कैसे काउंट करेंगे, क्रिस्ट के जन्म से पहले कैसे काउंट करेंगे। आंसर है दीज ईयर्स आर काउंट बैकवर्ड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट,
यानी कि उन ईयर्स को हम बैकवर्ड में काउंट करेंगे, जैसे क्रिस्ट के जन्म से पहले के ईयर्स में काउंट करेंगे। दिस टाइम इज कॉल्ड बिफोर कॉमन ईरा, यानी कि जैसे क्रिस्ट के जन्म के साथ जो ईयर्स आते हैं उनको क्या कहते हैं, जन्म के बाद वाले कॉमन ईरा वाले ईयर्स होते हैं, फर्स्ट बीसी होता है। लेकिन उसके जन्म से पहले के जो ईयर्स हैं उनको कैसे काउंट करेंगे, बिफोर कॉमन ईरा, यानी कि उसके जन्म से पहले, बिफोर कॉमन ईरा और बीसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, बीसीई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न दिस चैप्टर कम्प्लीट। थैंक यू। स्टूडेंट ऑफ थर्ड क्लास, आई एम सिमरन मैम, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डन अवर रीडिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। अवर चैप्टर नेम ट्रीज अवर सेवियर्स। So in this class, let's start our revise of short summary of this chapter. So students, let's start. देखें, trees play an important part in human life. Tree है हमारी human की जो life है उसमें क्या होता है, important part play करते हैं। Without trees, we cannot survive. Trees के बिना, tree हमें क्या देती है, oxygen देती है, इसलिए हम tree के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी सांस, ऑक्सीजन हमारी ब्रीथिंग के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी हेल्थी और हैप्पी लाइफ के लिए ट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, बैनियन और पीपल ट्री। ये हमारी काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करते हैं, क्योंकि इनसे हमें मेडिसिन भी मिलती हैं, और हमारा जो पीपल का ट्री होता है, पीपल का पेड़ होता है, वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हमारी जो बुध अमावस्या के दिन हिंदू की महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, बैनियन ट्री की प्रेयर करती हैं, उनसे उनकी पूजा करती हैं और प्रेयर करती हैं अपने हस्बैंड्स की लॉन्ग लाइफ के लिए, लंबी आयु के लिए। हम अच्छे जानते हैं कि सनी डे में बैनियन ट्री कितने, इस बात को शायद ही कम लोग जानते होंगे कि सनी डे में, गर्मियों के दिनों में, बैनियन का जो पेड़ है, मीन्स बरगद का जो पेड़ है, वो हमें कितना पानी देता है, 100 पॉट्स ऑफ वाटर, लगभग 100 घड़ों के बराबर हमें वो पानी देता है। यदि हम बैनियन ट्री के नीचे स्टैंड होते हैं तो वो हमें क्या नहीं करता, हमें भिगोता नहीं है, हमें ड्राई रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं, उसकी पानी की बूंदें होती हैं, जो कि हमारे ब्रॉड लीव्स क्या होती हैं, उसकी लंबी घनी पत्तियाँ होती हैं, उस पर होती हैं, वो किस में बदल जाती है, भाप में बदल जाती हैं। जो वाटर की जो चीज़ें होती हैं वो वेपर में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमारा रेन का सिस्टम चालू होता है। जो रेन आती है वो किससे होती है, वाटर है, वाटर किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, और फिर वेपर से क्या होता है, हमारा रेनफॉल होता है। ट्री क्या करता है, हमारे वर्ल्ड को, हमारे संसार को क्या करता है, ब्यूटीफुल बनाता है। और उसमें क्या होता है, ट्रीज में फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। जो हमारे फ्रूट्स क्या काम करते हैं, हमें खाने के लिए काम आते हैं। फ्लावर से क्या होता है, फ्लावर्स हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाते हैं। और जो उनकी रूट्स होती हैं, वो ट्री को क्या, वो उसको सॉइल को, सॉइल क्या होती है, हमारी मिट्टी, उसको क्या करती है, पकड़ कर रखती हैं, जो कि उसको जब भी हमारी पानी यानी बारिश होती है उसमें बहने से रोकती है। क्योंकि अगर मिट्टी सारी बह जाती है तो नीचे उसकी जो रूट्स होती हैं, पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो ट्री की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते थे। वो फोर फादर्स का क्या मतलब होता है, हमारा पूर्वज, ठीक है। इसलिए वो उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे प्लांट्स और ट्री की। और ट्री हमें क्या क्या देता है, हमें वुड देता है, गम देता है, लाख देता है, रबर देता है, फ्रूट देता है, और हमें क्या, काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ इन पेड़ों से ही मिलती हैं। मेडिसिन्स हैं, ऑयल्स हैं, पेपर है, वुड पल्प है, जो मीन्स पेड़ की छाल से हम पेपर बनाते हैं, मीन्स सारी चीज़ें हमें क्या, ज़्यादा चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है। When we save the trees, save our life. अगर हम trees को save करेंगे तो हम अपनी life को क्या कर सकते हैं, save कर सकते हैं। और trees को save करने का क्या तरीका होता है, हम जड़ से पेड़ों को ना काटें, और क्या होता है कि हम जहाँ से भी पेड़ों की कटिंग करें, जहाँ से भी trees की कटिंग करें, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा trees को grow करें, trees को क्या करें, saplings करें, मतलब उसके पौधे लगाएं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी शॉर्ट समरी थी फर्स्ट चैप्टर की। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट के। तो फर्स्ट है हमारा वेरियस। वेरियस की हिंदी मीनिंग क्या होगी, अनेक। क्या इसका सिमिलर वर्ड्स क्या होगा, हमारा डिफरेंट। सेकेंड है हमारा वॉरशिप। वॉरशिप की हिंदी मीनिंग होती है पूजा करना।
टू आइडोलाइज। थर्ड है हमारा वैनिश। वैनिश की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गायब होना। क्या हो जाएगा? डिसअपीयर, सिंगुलर वर्ड्स हो जाएगा इसका। फोर्थ है हमारा, सेकंड लास्ट है, फोर फादर्स। फोर फादर्स की हिंदी क्या हो जाएगी? पूर्वज। फादर्स ऑफ फादर्स, फादर्स के भी फादर्स हमारे क्या होते हैं? पूर्वज होते हैं। फिफ्थ है हमारा, लास्ट होता है सैपलिंग्स। सैपलिंग्स की हिंदी मीनिंग होती है पौधे, सीडलिंग्स। सो स्टूडेंट्स क्लियर है? सो स्टूडेंट्स लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट ए पार्ट है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं इन गिवन्स ऑप्शंस में। तो फर्स्ट है हमारा, ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लैंक लाइफ। चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा किसकी लाइफ में प्ले रोल करता है? तो वो फर्स्ट है हमारा देयर, बी है ह्यूमन एंड सी है एनिमल्स। तो किसकी चैप्टर के अकॉर्डिंग किसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्री? ह्यूमन की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, ऑन बुध अमावस्या हिंदू वुमेन कीप ए ब्लैंक। बुध अमावस्या के दिन हिंदू वुमेन क्या करती हैं? तो ए है हमारा स्लो, बी है लाइट, सी है फास्ट। तो क्या करती हैं वो? व्रत करती हैं, फास्ट करती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, ऑन अ सनी डे वन बैनियन ट्री गिव्स आउट ऑफ वाटर इक्वल टू पॉट्स। कितने पॉट्स के बराबर वो पानी देता है बैनियन ट्री? ए है 100, बी है 20, सी है 50। तो कितना आ जाएगा हमारा? 100। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फोर्थ है, अवर फोर फादर्स प्लांट प्लांट्स एंड ट्रीज। हमारे फोर फादर्स है प्लांट्स एंड ट्रीज का क्या करते थे? ए है यूज्ड, बी है लव्ड एंड सी है वर्शिप्ड। तो क्या करते थे? उनकी पूजा किया करते थे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है हमारा, ट्री गिव्स अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ट्री हमें क्या देता है? फ्रूट्स और फ्लावर देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी। सेकंड है, द लीव्स ऑफ द ट्रीज होल्ड सॉइल। जो लीव्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। थर्ड है, वी मेक पेपर फ्रॉम वुड पल्प। पेड़ों की छाल से हम क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फोर्थ है हमारी, अवर फोर फादर्स हेट प्लांट्स एंड ट्रीज। हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो प्लांट से क्या करते थे? हेट करते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो उनको क्या करते थे? पूजा करते थे और उनकी केयर किया करते थे। ऑप्शन सी है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। हमें ब्लैंक फिलअप करने हैं गिवन वर्ड्स से। हेल्प बॉक्स में हमारे जो वर्ड्स हैं उनकी मदद से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा, वी सेव प्लांट्स एंड सेव ब्लैंक। तो क्या आ जाएगा हमारा? अवर सेल्विस। अगर हम प्लांट्स को सेव कर रहे हैं तो हम अपने आप को भी क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। सेकंड है, हर्ब्स आर यूज टू मेक ब्लैंक। जो जड़ें हैं वो किसके लिए यूज़ की जाती हैं? सेकंड क्या हो जाएगा? मेडिसिन बनाने के लिए क्या की जाती हैं? वो यूज़ की जाती हैं। हर्ब्स आर यूज टू मेक मेडिसिन। थर्ड है, अवर फोर फादर ब्लैंक प्लांट्स एंड ट्रीज। क्या करते थे हमारे फोर फादर्स? तो वॉरशिप्ट, क्या क्या करते थे? पूजा किया करते थे। फोर्थ है हमारा, ट्रीज कीप द एयर। ट्री है एयर को क्या करता है? क्या करता है वो? क्लीन करता है, ठीक है। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा? क्लीन। ट्रीज कीप द एयर क्लीन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट इज डी, गिव सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग। सिनोनियम्स हमें बताने हैं फॉलोइंग वर्ड्स के। देन फर्स्ट है अपना सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का सिनोनियम्स वर्ड क्या होगा? इम्पोर्टेंट। सेकेंड है ए ब्राइट डे। ए ब्राइट डे का सिनोनियम क्या होगा? ए सनी डे। थर्ड है हमारा डिफरेंट। डिफरेंट का सिनोनियम क्या होगा? वेरियस। फोर्थ है ड्रॉप्स ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम क्लाउड्स। इसका सिनोनियम वर्ड्स क्या होगा हमारा? रेन। एंड फिफ्थ है, लास्ट है हमारा, अवर ग्रेट ग्रैंड फादर्स का हमारा सिनोनियम वर्ड क्या होगा? फोर फादर्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अवर क्वेश्चन आंसर, पार्ट ई, पार्ट एफ एंड पार्ट जी। सो स्टूडेंट्स लेट्स वी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर पार्ट ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स। वन और टू वर्ड्स में हमें इन फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नेम वन ट्री विच इज हेल्पफुल टू अस इन वेरियस वे। हमें एक ट्री का नाम बताना है जो हमारा काफ़ी सारे
चीज़ों में हमारी मदद करती है। तो पीपल ट्री हमारा क्या होगा, आंसर होगा द पीपल ट्री। पीपल ट्री हमारा आंसर क्यों होगा, बिकॉज ये हमें 24 घंटे क्या देता है, हमारी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ट्री इज वर्शिप्ड बाय वुमेन ऑन बुद्ध अमावस्या। कौन सा ट्री है जो पूजा जाता है बुद्ध अमावस्या के दिन वुमेन के द्वारा। तो आंसर क्या होगा, द पीपल ट्री। पीपल ट्री है बुद्ध अमावस्या के द्वारा बुद्ध अमावस्या के दिन वुमेन के द्वारा क्या किया जाता है, वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम वन थिंग विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज। एक चीज़ का नाम बताइए जो कि हमें ट्रीज से मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मिलती है हमें ट्रीज से, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे जिसके कारण हम क्या करते हैं, अर्थ पर सर्वाइव करते हैं, हम जीते हैं। पार्ट एफ है हमारा, नेक्स्ट पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मच वाटर डज ए बैनियन ट्री गिव आउट वन अ सनी डे। ऑन अ सनी डे, सनी डे में एक बैनियन ट्री कितना वाटर देता है। तो आंसर क्या है हमारा, इन अ सनी डे अबाउट 100 पोर्ट्स ऑफ वाटर। सनी डे में लगभग 100 पोर्ट के बराबर हमें क्या देता है, वो वाटर देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वेयर डज द वाटर फ्रॉम द बैनियन ट्री गो। वाटर है बैनियन ट्री की पत्तियों से कहाँ चला जाता है, कहाँ वैनिश हो जाता है। वैनिश का मतलब क्या बताया था हमने, गायब होना। तो आंसर क्या होगा, द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वाटर किस में चेंज हो जाता है हमारा, वाटर वेपर में, भाप में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डू द ट्री सेव सॉइल फ्रॉम बींग वॉस्ड अवे। जो हमारे ट्रीज होते हैं वो मिट्टी को किस तरह से धुलने से बचाते हैं, वॉश होने से बचाते हैं। तो आंसर है हमारा, द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल। जो हमारी ट्रीज की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को क्या करके रखती हैं, भाई पकड़ के रखती है, ठीक है। जिसके कारण जो मिट्टी है रेनफॉल में उसका वॉश नहीं होता। अगर मिट्टी धुल जाती है रेनफॉल में क्या हो जाती है, वॉश हो जाती है। तो क्या होता है, हमारी जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, जो रूट्स होती है वो क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। सो नेक्स्ट पार्ट जी है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द वेरियस यूजेस ऑफ ट्रीज। ट्रीज के हमें यूजेस बताने हैं। तो आंसर है, देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ ट्री। हमारे पास बहुत सारे ट्री के यूजेस होते हैं। तो फर्स्ट है, ट्री क्लीन द एयर। ट्री है वो एयर को क्या करता है, क्लीन करता है। सेकंड है, ट्रीज स्लो वाटर रन ऑफ। ट्री है जो वाटर का रन ऑफ होता है उसको क्या करता है, स्लो करता है, मीडियम करता है, उसका बैलेंस्ड बना के रखता है। थर्ड है हमारा, ट्री गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ट्री हमें क्या देता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देता है। फोर्थ यूज होता है, ट्री आर स्केयर्स। ट्री क्या होते हैं, स्केयर्स होते हैं, बहुत ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं। फोर्थ है हमारा, मेडिसिंस आर डिराइव फ्रॉम ट्रीज। जो भी हमारे जितने भी मेडिसिंस बनती हैं वो हमारी किससे बनती हैं, ट्रीज से बनती हैं। ट्रीज के लीफ से बनेंगी या उनकी जड़ों से बनती हैं, रूट से बनती हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेस रेन। रेन के क्या कॉजेस होते हैं। तो आंसर है, ट्री हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। ट्री किस में हेल्प करता है, हमारी रेन को ब्रिंग करने में हेल्प करता है। दे कूल एयर एंड फॉर्म अस टू ए क्लाउड्स एंड ड्रॉप्स। वो क्या करता है, एयर को कूल करता है, और वाटर है, वाटर ट्रीज से किस में चेंज जाता है, वाटर वेपर में चेंज जाता है। वाटर वेपर ऊपर जाकर क्लाउड्स में जो होता है, वो क्लाउड्स किसके क्लाउड्स में चला जाता है, और वो हमारे रेनफॉल होने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसी तरह से हमारी रेन बनती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आवर फर्स्ट चैप्टर इज कम्प्लीट। एंड स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज री राइट इन आवर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।